मुझे सुबह सुबह का हमारा नाश्ता है, मेरा बच्चों का रस और चाय और साथ का नमक वाला पराठा और साथ में चाय। तो मैं इसको अंदर लेके जा रही हूँ। बच्चे क्योंकि अभी सोए हैं तो मैं और शहजाद नाश्ता करने लगे। ज़रोया की प्यारी सी मासूम सी छोटी सी डॉल। किसका डॉल है ये? आपका बिल है? ज़रोया को प्यारी सी छोटी सी डॉल भी लिया। ओए ओए ओए, बड़ा प्यार कर रही है इसको। आओ सरप्राइज। इसको खोल के देखो क्या है इसमें। सरप्राइज केक बाबा के लिए। ज्यादा सारे सारे सुनेंगे। तो बाबा जानी को जो सरप्राइज मिला आप देख लें, ये सॉफ्ट केक सुप्रीम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था गिब्स कंपनी में शहजाद जॉब करता है, तो वहीं से लेके एक केक आपको ओपन करके दिखाते हैं। इधर खोलो शहजाद, घर है मेरे। एक खोला है ना, वो खा गया ये बाबा जानी। ये ज़रोया खा रही है एक केक और बाबा जानी हमें ओपन नहीं करने दे रहा। बाबा जानी एक दो ना चेक करे कैसा है, जल्दी से दो पापा को दो। हाँ पापा को दो। वेरी गुड। चलो जी खोल के दिखाते हैं जी केक। ये देखें जी इतना बड़ा केक इसमें निकला। और कितने का ये? 20 वाला केक है और काफी ये ना सॉफ्ट होता है। ये देखें सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मज़ेदार। आज का बाहर का मौसम यानी कि अभी धूप, इस टाइम नहीं धूप थी और अभी इस टाइम नहीं। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं बाहर क्योंकि अंदर जरा लाइट नहीं है, लाइट जो है अंदर गई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और मैं जो हूँ बीमार हो गई थी फिर से, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। इस बार ना मैं ठीक नहीं जल्दी हो पा रही क्योंकि ना मुझे काफ़ी देर बाद जो है ना ये फ्लू का मसला हुआ, तो इसके वजह से फिर फीवर और सर में दर्द और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। यहाँ तक के ऐसे कानों में भी मसला हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो और आगे वीडियो शेयर करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब जो है मेरे चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। ये थोड़ा सा तोहफा होता है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते और ना सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। कई समझते हैं कि हमने तो सब्सक्राइब करना ही नहीं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और आज जो है ना मेरी तबीयत नहीं ठीक, हमें एक इनविटेशन आया और उसके लिए हमें जाना है। और मुझे ना कपड़े बच्चों के धोने पड़ने, बच्चों के ना काफ़ी कपड़े जमा हुए क्योंकि दो तीन दिन से मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, तो धोने थे तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जमा होते गए। तो अब जाना है तो जारी बात है कपड़ों की ज़रूरत है बच्चों के लिए। तो बच्चों के जो ना मैंने कपड़े वॉश करने, मौसम भी आपको दिखाया कि बाहर का कैसा है। आज जो है ना मौसम थोड़ा बना है बारिश का, बोला बारिश का तो अब हर रोज़ ही वो बोलते हैं कि होनी है क्योंकि बारिशों के दिन शुरू हो चुके हैं, बरसात आ चुकी हुई है। तो लेकिन कपड़े धोते हैं, देखते हैं उनको किसी तरह मैनेज तो करना है ना। तो आज जो है ना मैंने कपड़े धोने हैं, तो बस लाइट का वेट करें। अभी जो ना लाइट गई है और जैसे ही लाइट आएगी फिर मैं कपड़े धोने शुरू कर दूँगी। ये देखें इतने ज़्यादा हमारे कपड़े जमा हुए हैं और मेरी तबीयत के दसी गए बच्चों के, और इसके नीचे भी बच्चों के, ऊपर सारे शहजाद के मैंने फेंक दिए। ये सारे कपड़े अभी जो ना धोने, बस लाइट का वेट कर रही हूँ, जैसे ही आएगी मैं मशीन ऑन कर दूँगी। इसलिए मैं कपड़े मैंने मशीन से भी सारे मैंने बाहर निकाल के रख ली, बस मशीन को ना चालू करना लाइट आती है। ये देखें जी कपड़े मैंने धो लिए और मौसम जो है ना मौसम जो काफ़ी ख़राब है, लेकिन बारिश के भी चांसेस नहीं है, लेकिन कपड़ों को हवा वगैरह लग रही है आप देख ले। ये देखें काफ़ी तेज़ हवा चलना शुरू हो गई है। कपड़े धोने के बाद हमें मिला जी फ्रूट, नीचे से आया और जरना आपको देखे जी ऐसे ही करते अपने कपड़े ऊपर कर लेती है। और बच्चे जो सो गए थे, ये बाबा जो नहीं सोए, ये ज़रोया सोई है और मैं खाने लगी हूँ एप्पल। तो ज़रोया खाएगी? जरनाब, ज़रोया कह रही जरनाब खाएगी, खाओगी आप? जल्दी से खाओगी, बहुत बातें करती है, खाओगी आप? हैं आप खाओगी? अपने कपड़े उठाती रहती है। मैंने भी जाना नहा के चेंज कर लिया और आज का व्लॉग भी यहीं पे करेंगे और भी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक